अग्निवीर योजना। हरियाणा के अंदर किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट लगा होता है, शहीद मेजर किसी का नाम, शहीद कैप्टन किसी का नाम, शहीद हवलदार किसी का नाम, शहीद सूबेदार किसी का नाम, शहीद जवान किसी का नाम। हरियाणा के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश की आजादी के आंदोलन से लेके चाहे कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, गर्व से गांव के लोग कहते हैं हमारा यह बेटा जिसका नाम इस गेट पर लिखा है, इसने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की रक्षा के लिए दी है। यह मेरे भाइयों हरियाणा का इतिहास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खट्टर की पार्टी ने, नायब सिंह की पार्टी ने, बीजेपी ने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। 4 साल के ठेके पे हमारा जवान रहेगा। आप कल्पना कीजिए, सुबह आप 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, मां आपको दूध देती थी, बोलती थी बेटा ये ले दूध पी के अपने शरीर को तैयार कर और भारत की सीमा पे रक्षा करना, और देख अगर मेरी भारत माता पे कोई आंच आई तो भले ही अपने प्राणों की आहुति दे देना, वापस मत आना पीठ दिखा के। यह था जज्बा हरियाणा के लोगों का। आपने सेना को ठेके पे रख दिया, कह रहे 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे नरेंद्र मोदी जी वाह, 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा, यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। संदीप मलिक को जिता के भेजो, मैं आपसे वादा करता हूं अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पुरानी सेना की भर्ती फिर से बहाल होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो इनके खिलाफ सच बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जो इस देश के लिए कुछ काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिसने 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लात मार के कहा उसूलों और सिद्धांतों पे चलेंगे, जिसने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के बोले अगर ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता देगी तब कुर्सी पर बैठूंगा वरना कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यह है अरविंद केजरीवाल। और क्या काम किया उन्होंने दिल्ली में, बेहतरीन शिक्षा देने का काम। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए वहां स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, टॉयलेट का इंतजाम कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कह लगी नहीं देखना, बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोले कि नहीं देखना, बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना, बोले हरियाणा का देख लो, कह लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है, तो कह लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखने जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल ने शिक्षा की ऐसी राजनीति की, ऐसा बदलाव किया, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो।